हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू जोमेटो पब्लिक स्कूल। और आज मैं सुबह सुबह आपका तहे दिल से स्वागत करते हुए आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि बेटा, कि जो 8 महीने हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे, क्योंकि सफलता अगर पानी है तो प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस खोना नहीं है, सिलेक्शन को खोना नहीं है, ये स्लोगन आपको ध्यान में रखते हुए काम करना है बेटा। तो देखिए, जितनी प्रैक्टिस आप करते जाएंगे, जितनी प्रैक्टिस आप करते जाएंगे उतना ही आपको अनुभव होगा क्वेश्चन को करने का, उस और उतनी ही पॉसिबिलिटी आपके सिलेक्शन की बढ़ जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ, लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा सा आपको शायद दिख नहीं रहा होगा तो मैं एक बार क्वेश्चन को लिख देता हूँ। ठीक है, डिवाइड 80% और डिवाइड 60%। ठीक है, इसको इसको आपको सोल्व करना है। तो ध्यान रखो बेटा, 36 और डिवाइड 80/100 कैसे लिख सकता हूँ बेटा, आपको पता है कैसे कर किया मैंने, आपको पता है कि इसका मतलब क्या होता है। जब भी कभी परसेंटेज का साइन हो तो हमेशा ध्यान रखना कि अपॉन में बेटा 100 जरूर आएगा। ठीक है, ठीक है, अब इसको आप क्या लिखोगे, इसको भी मैं लिख सकता हूँ 60/100। अभी अभी बताया बेटे मैंने आपको, ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक बात का ध्यान रखना, बस ये सबसे बड़ी बात है कि जब भी कभी डिवाइड के बाद में कोई संख्या आपको दिखाई दे तो हमेशा उल्टा करके, उल्टा करने के बाद में उसे, मल्टीप्लाई का साइन लगाने के बाद में उसे उल्टा कर देना बेटा। तो इसके डिवाइड के साइन की जगह मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया और उसे कर दिया उल्टा। ठीक है, देखो बेटा ऐसे, इस तरह से ही मैं इसको कर दूंगा बेटा, 100/60। तो बेटे 20 से कटेगा 25 जा, 24 जा, और 4 से कट जाएगा 9 बार। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बेटा, 9 × 5 × 100 और अपॉन में 60, क्योंकि बेटे इसको तो हमने अभी सोल्व किया ही नहीं है। ठीक है, 20 से काटो बेटे 3 बार कटेगा, और 20 से काटो 5 बार कटेगा। ठीक है, इसको काट लिया मैंने 3 बार, तो कितना हो जाएगा बेटा, 5 × 5 = 25, 25 × 3 = 75। ठीक है बेटा, 5 × 5 = 25 और 25 × 3 = 75। तो सी ऑप्शन है इसका आंसर। बेटे एक बात का ध्यान रखना, यहाँ इस क्वेश्चन में हमने एक चीज़ सीखी है नई, वो क्या सीखी है, हमने सीखी है कि जब भी कभी डिवाइड के बाद में कोई आपके पास कोई संख्या है तो उसको क्या कर देंगे, उसको आप कर देंगे उल्टा, और साइन किसका रखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन रखेंगे, किसकी जगह, डिवाइड की जगह, ये ध्यान रखना भाई। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, किसी अभाज्य संख्या के वर्ग में कितने गुणनखंड होते हैं, हाउ मैनी फैक्टर हैज ए प्राइम नंबर, स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर, सॉरी स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर, कह रहा है कि हाउ मैनी फैक्टर हैज ए प्राइम नंबर, स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर, ये हाउ मैनी फैक्टर हैज द स्क्वायर ऑफ ए प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर के जो प्राइम नंबर का जो स्क्वायर होता है, प्राइम नंबर का जो स्क्वायर होता है उसमें कितने फैक्टर होते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है बेटा। तो अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ अभाज्य की या प्राइम नंबर की, तो पहला प्राइम नंबर मेरा होता है बेटा, वो होता है 2। अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4, और 4 का अगर मैं फैक्टर की बात करूँ तो 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा, तो इसमें कितने आए, 3। ठीक है, अब अगली कोई संख्या ले लेता हूँ बेटा मैं, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और 9 के अगर मैं फैक्टर की बात करूँ तो 1, 3 और 9, इसमें कितने होंगे, 3। 5 का स्क्वायर होता है 25 = 1, 5 और 25, इसमें भी कितने हुए, 3। तो आप देख पा रहे हैं बेटा, जितने भी मैं प्राइम नंबर ले रहा हूँ और उसका स्क्वायर कर रहा हूँ, तो उसके लास्ट में मैं देख रहा हूँ, जब मैं उसके फैक्टर कर रहा हूँ तो मैं देख पा रहा हूँ कि 3 से ज़्यादा फैक्टर नहीं हो पा रहे हैं। तो एक बात हमने यहाँ से एक और बात सीखी जो बहुत इंपॉर्टेंट, कभी भी पूछा जा सकता है बेटा, एक नंबर में जो सैनिक में भी कभी कभी आ जाता है कि किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग में कितने गुणनखंड होते हैं, 3। अब एक बात यहाँ सीखने की ज़रूरत है हमें कि आपने देखा, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई 4 के जो फैक्टर है वो बताओ, तो आपने देखा कि इसके लास्ट में क्या है, डिजिट आई 4। अगर मैं कहूं 9 के फैक्टर बताओ तो लास्ट में क्या है, 9। अगर मैं बताऊं 25
के फैक्टर बताओ तो लास्ट में क्या है 25। इसका मतलब क्या सीखे, इसका मतलब ये सीखे कि अगर मैं किसी संख्या के फैक्टर करता हूँ, फैक्टर निकालता हूँ, ठीक है, फैक्टर निकालता हूँ या फैक्टर लिखता हूँ, तो आप देख रहे हो कि हमेशा लास्ट की जो संख्या होगी वो वही संख्या होगी जिसका आप फैक्टर निकाल रहे हैं। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किसी भी संख्या का लास्ट गुणनखंड क्या होता है, लास्ट फैक्टर क्या होता है, तो हमेशा ध्यान रखना कि उसका आंसर होगा कि वही संख्या होती है। ये एक नंबर में कभी कभी आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे इसका तो आंसर आपको पता ही चल गया होगा बेटा 3, ठीक है, ए ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सही कथन को चुनो, ठीक है, चूज द राइट स्टेटमेंट, ठीक है, चूज द राइट स्टेटमेंट। कह रहा है कि एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है, हाँ होता है भाई। कभी भी देख लेना बेटा, किसी भी संख्या को उठा के देख लेना कि किसी भी संख्या का जब हम गुणनखंड स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले 1 आता है, ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो ये बात होती है, लेकिन और को भी चेक करेंगे, हम ऐसे नहीं चेक करेंगे। कह रहा गुणजों की संख्या निश्चित होती है, देखो भाई गुणजों की संख्या निश्चित कभी नहीं होती बेटा, क्योंकि संख्या जब इन्फाइनाइट होती है, अनंत होती है, तो उसके जो गुणज होते हैं वो भी इन्फाइनाइट होते हैं। जैसे गुणज होता क्या है बेटा, गुणज को इंग्लिश में मल्टीपल्स कहते हैं, ठीक है, और मल्टीपल्स का मतलब होता है पहाड़ा या टेबल। जैसे मैं 6 का मल्टीपल पूछूं तो 6 का पहला मल्टीपल कौन होगा, 6 होगा। 6 का दूसरा मल्टीपल होगा, उसे 2 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी। समझ में आ रहा बेटा, गुणज का सवाल भी क्वेश्चन भी आएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, इस पे जोर दे रहा हूं बेटा। आपको क्या करना है कि अगर मैं 6 का पहला मल्टीपल ढूंढूं तो वही संख्या होगी जिसका मैं मल्टीपल निकाल रहा हूं, ठीक है। अगर 6 का दूसरा मल्टीपल निकालूं तो आप 2 से उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए जिसका आप पूछा जा रहा है। जैसे 6 का पूछा जा रहा है तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा दूसरा गुणा जा जाएगा, मल्टीपल आ जाएगा। तीसरा मल्टीपल अगर मैं निकालूं तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि 18 हो जाएगा। अगर मैं चौथा यानी कि फोर्थ मल्टीपल निकालूं तो 6 × 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करते करते आप देख रहे हैं कि जब संख्याएं इन्फाइनाइट होती हैं, अनंत होती हैं, तो उसके गुणन उनके जो गुणज होते हैं यानी कि जो मल्टीपल होते हैं वो भी अनंत होंगे, ये ध्यान रखना। तो ये बात वो गलत बोल रहा है, ठीक है। गुणनखंडों की संख्या भी अनंत होती है, ये भी गलत कह रहा है। अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी संख्या के गुणनखंड हमेशा उसी संख्या पे आके खत्म हो जाते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे मैंने 5 के अगर मैं सॉरी 25 का मैं निकालूं तो 1, 5 और 25। देखो जिस संख्या का मैं गुणनखंड निकाल रहा हूं, जिस संख्या का मैं गुणनखंड निकाल रहा हूं, उस संख्या का अगर मैं गुणनखंड की बात करूं तो वो लास्ट में उसी संख्या पे आके खत्म हो जाते हैं बेटा, ठीक है। तो ये अनंत नहीं होती है, इसका मतलब ये भी गलत बोल रहा है। और एक प्रत्येक संख्या का गुणज होता है, जरूरी नहीं है बेटा 6 का अगर मैं मल्टीपल ढूंढूं, 6 का गुणज ढूंढूं तो 6 आएगा, 2 का ढूंढूं तो पहला मल्टीपल 2 आएगा, 3 का पूछे तो 3 आएगा, 4 का पूछे तो 4 आएगा। तो एक सबका मल्टीपल नहीं होता है बेटा, ध्यान रखना भाई। एक का मल्टीपल हो सकता है और किसी संख्या का मल्टीपल नहीं हो सकता, ये भी गलत बात कह रहा है। तो सिर्फ राइट ऑप्शन कौन सा बचा, पहला, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा किसी संख्या में 14 किसी संख्या से 14, 29, 39 और 64 को भाग करने पर प्रत्येक बार 4 से शेषफल प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करो कि वो क्या होगी, क्या संख्या होगी, सम होगी, विषम होगी, व्हाटएवर होगी। तो सबसे पहले मुझे ये तो पता होना चाहिए संख्या है क्या बेटा, सबसे पहले मुझे ये तो पता होना चाहिए संख्या आएगी क्या। तो देखो भाई मैंने आपको बताया, देखो एक बात मैं यहां पे बताना चाहूंगा बेटा, आपको ध्यान से समझना। एक होता है आपका LCM, एक होता है आपका HCF, डिफरेंस सुन लो बेटा। LCM क्या होता है, LCM वह संख्या होती है जो दी गई संख्या से डिवाइड होता है। इसका मतलब है कि जिस संख्या का आप LCM निकाल रहे हैं, मान ली मैं आपको 2, 5 और 10 का LCM निकाल लूं, 2, 5 और 10 का जब मैं LCM निकालूंगा तो कितना आएगा बेटा, आता है आपको निकालना, मैंने समझाया पढ़ाया है आप लोगों को भाई, ठीक है। तो इसका LCM आएगा 10, ठीक है, क्या आएगा बेटा 10। चेक कर ले बेटा एक बार, 2, 5 और 10। देखो बेटा शर्माने वाली बात नहीं है, पर गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कितना 10, देख पा रहे हैं बेटा आप। तो अगर मैं 2, 5 और 10 का मैं LCM निकालूं तो कितना आएगा 10।
तो इसका मतलब क्या है, अब ध्यान से देखना भाई जो मैं समझाने की बात समझा रहा हूं आपको बेटा। तो जो एलसीएम आया है इन संख्या का, अब ध्यान रखना भाई, जो एलसीएम है, एलसीएम जिनका मैंने जिन संख्याओं का मैंने एलसीएम निकाला है, जिन नंबर का मैंने एलसीएम निकाला है, वो नंबर अपने एलसीएम को डिवाइड करते हैं। वो नंबर देखो, टू इसको डिवाइड कर देगा, फाइव भी इसको डिवाइड कर देगा, और टेन भी इसको डिवाइड कर देगा। तो आपने क्या सीखा, आपने सीखा बेटा कि जो हमारा एलसीएम होता है, वो एलसीएम जिन संख्या को मैं एलसीएम निकाल रहा हूं, वो संख्या अपने एलसीएम को डिवाइड करती है। इसका मतलब है एलसीएम डिवाइड होता है संख्याओं से, एलसीएम किससे डिवाइड होगा, संख्याओं से, संख्या एलसीएम को डिवाइड कर देंगे। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं एचसीएफ की। अगर मैं टू टू फोर और सिक्स का एचसीएफ निकालूं, तो टू फोर और सिक्स का एचसीएफ कितना होगा बेटा, टू होगा। तो आपने देखा ये हमारा क्या है, एचसीएफ। तो अब क्या समझे आप, इसमें तो संख्या डिवाइड करती है एलसीएम को, इसमें एचसीएफ डिवाइड करेगा संख्या को। तो संख्या को तो कह रहा है संख्या को भाग करने पर, है संख्या को भाग करने पे कह रहा है बेटे। तो संख्या को भाग कौन करता है बताओ आप मुझे, अभी मैंने आपको बताया, फिर एक बार सुन लो बेटा कि एलसीएम तो हमेशा संख्या डिवाइड करती है, एलसीएम को संख्या हमेशा डिवाइड करती है, लेकिन एचसीएफ जो है एचसीएफ संख्या को डिवाइड करता है। तो संख्या को डिवाइड कौन करता है, कौन करता है जल्दी बताओ बेटे, बड़ा ध्यान से इस लॉजिक को ध्यान से समझना, कोई टीचर बताएगा नहीं बेटा, बहुत लॉजिकली बहुत क्लोज बात है ये। ठीक है, बस बता देता कि छोटी से छोटी संख्या निकले तो ये होगा, बड़ी से बड़ी संख्या निकले तो एचसीएफ निकलेगा या एलसीएम निकलेगा, बस ये बता देता। लेकिन आपको ध्यान रखना है ये ज्योमेट्री पब्लिक स्कूल है, आपको बहुत डीपली बातें भी बताएगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि एलसीएम क्या होता है, एलसीएम हमेशा किससे डिवाइड होता है, अपनी संख्याओं से। लेकिन एलसीएम डिवाइड होता है अपनी संख्याओं से, लेकिन एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ अपनी संख्या को डिवाइड करता है। संख्या तो करती है एलसीएम को और एचसीएफ करता है अपनी संख्याओं को। अब संख्या को डिवाइड करने की तो बात कर रहा है वो, कह रहा है संख्या को भाग करने पर, तो इसका मतलब संख्या को भाग करने का मतलब क्या है कि संख्या को वो डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब आप समझे बेटा मैं क्यों बताया है आपको, मैंने ये इसलिए बताया है कि इसमें निकलेगा क्या, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका मतलब है इसमें निकलेगा आपका एचसीएफ। और एचसीएफ का एक फॉर्मूला आपको मैंने बताया था जब आपको मैंने क्वेश्चन बताए थे, तो आपको मैंने बताया जब भी कभी रिमाइंडर की बात कर रहा हो, शेषफल की बात कर रहा हो, तो पहले ही हम इसको घटा लेते हैं, बाद में उसका एचसीएफ लेते हैं। तो 14 में से 4 जाएंगे 10, में से जाएगा 4, 64 में से 4 जाएगा तो बचेगा बेटा कितना, 4 तो जाएगा 60। अब इन सब का मैं क्या लूंगा, मैं निकालूंगा एलसीएफ। तो जब मैं इनका एचसीएफ निकालूं, एचसीएफ निकालना आता है बेटे आप लोगों को, चलो मैं बता देता हूं आपको। अगर मैं 10 का, 25 का और 60 का एलसीएफ निकालूं तो सबसे पहले क्या होता है, छोटी संख्या अपने से बड़ी संख्या को डिवाइड करती है। तो 10 टू जा कितना होता, 25 बचेगा, 5 इसको डिवाइड करेगा बेटा, 5 इसको डिवाइड कर देगा बेटा 10 को, तो ये मेरा एचसीएफ हो सकता है। अब हो सकता है क्यों बोल रहा हूँ मैं बेटे, मैं क्योंकि मैंने आपको जब सवाल कराए थे मैंने आपको बताया था तीसरी संख्या को भी या चौथी संख्या जो भी है उसको भी आप चेक कर लेना बेटा, जब तक आप चेक करके उसे पूरा विश्वास ना हो जाए आपको 5, तब तक उसको आप क्या नहीं मानेंगे बेटा, तब तक आप उसको अपना एचसीएफ नहीं मानेंगे। तो 5 1 जा 5, 1 बचा 0 और 5 2 जा 10। तो इसका मतलब क्या कि मेरा ये एचसीएफ हो गया। अब आप मुझे बताओ, तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो एचसीएफ होता है वो एचसीएफ किसको डिवाइड करेगा, संख्या को डिवाइड करेगा। एचसीएफ मेरा 5 है तो क्या 5 10 को डिवाइड कर रहा है, यस। 25 को डिवाइड कर रहा है, यस। 60 को डिवाइड कर रहा है, यस। तो अब वो कह रहा है कि जो आपका आंसर आया है, उसने पूछा कि वह संख्या बताओ कि वो क्या होगी, संख्या क्या है, संख्या ये है एक अभाज्य संख्या। ये एक क्या है, अभाज्य संख्या। एक सम संख्या है, नहीं सम संख्या नहीं है, ये एक भाज्य संख्या नहीं है। भाज्य को इंग्लिश में बेटे कंपोजिट नंबर, ठीक है,
और अभाज्य को प्राइम नंबर बोलते हैं, ध्यान रखना भाई आप लोग, है ना। ठीक है बेटा, तो HCF मेरा क्या है 5। अब मैं देख रहा हूं कि वो पूछ रहा है कि वो संख्या कौन है, संख्या तो हम लोग को मिल गई लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो किस पे सही बैठ रही है। तो क्या है वो, एक अभाज्य संख्या? हाँ है, एक अभाज्य संख्या है। सम संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसका मतलब कौन सी संख्या है वो, सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो इसका मतलब मेरा आंसर पहले वाला हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे ध्यान से बेटा। कह रहा है कि एक डब्बे में 48 लीटर दूध डालने पर वह पूरा भर जाता है। चलो जी, तो इसका मतलब मैं समझ गया कि उस डब्बे में 48 लीटर ही दूध आता है। चलो जी मान लिया। अब वो कितना भरा हुआ है, 7/12। तो 48 आता है टोटल और लेकिन भरा हुआ कितना, 7/12। तो इसका मतलब अब की स्थिति क्या है उसकी भरने की, वो है 4, यानी कि उसमें 28 लीटर अभी भी, 20 लीटर दूध उसमें अभी भी है। ठीक है, क्योंकि भाई पूरा भरता है 48 में लेकिन भरा हुआ कितना है, 7/12। तो 7/12 भरा हुआ है, तो इसका मतलब कितना भरा हुआ है, 28 लीटर उसमें भरा हुआ है। ठीक है, ठीक है, आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, बता दूंगा बेटा मैं आपको अभी। अब इसका आधा, इसका आधा हमने क्या किया, निकाल लिया। तो इसका आधा कितना होता है, 14। इसका मतलब है कि 28 उसमें था और मैंने 14 निकाल लिया, तो अब उसमें कितना रह गया, 14। तो वो कह रहा है कि यदि आधा दूध को निकाल लिया जाए तो कितना दूध डाला जाए कि वो पूरा भर जाए। अब पूरा कितना भरता है, 48। अब 48 भरना है लेकिन हमारे पास तो 14 लीटर ही बचा ना, तो कितने की जरूरत है आपको, कितने की जरूरत है, 34 लीटर की जरूरत है। यही आपका आंसर होगा, 34, सी ऑप्शन। देखो बेटा, मैं दूसरा तरीका जो बता रहा था आपको, क्या बता रहा था मैं आपको, एक बार सुन लो बेटा उसे। देखो, अगर मैं किसी की ऐसे करता हूं, तुलना करता हूं, कंपेयर करता हूं 7/12, तो इसका मतलब क्या, जब आप कभी परीक्षा देते हैं तो नंबर कैसे देता है टीचर कोई, कि टोटल जो नंबर होते हैं जितने, जैसे आपने मान के चलिए आपका जो टेस्ट था वो 10 नंबर का था, तो 10 नंबर हमेशा नीचे दिए जाते हैं और जो ऑब्टेन मार्क होते हैं जो आप लाते हो कहां होते हैं बेटा, ऊपर रखते हैं। तो इसका मतलब है ये टोटल पार्ट है, ये टोटल पार्ट है, यानी कि इसका मतलब है इतना भाग वो किसके बराबर हो जाएगा, 48 के, क्योंकि ये भी तो टोटल ही है ना बेटा, उस ड्रम का टोटल है ना, तो 12 भाग किसके बराबर है, 48 के। नहीं समझ में आया बेटा? भाई अगर मैं पूरा टोटल देखूं तो उसमें कितना लीटर दूध आता है, 48 लीटर आता है, लेकिन अगर मैं पार्ट की बात करूं, फ्रैक्शन की बात करूं, तो इसका मतलब जो 12 पार्ट है वो पूरा है, पूरा है। अब पूरे में से भरा कितना, 7। तो बताओ अगर 12 भरा हुआ है तो 48 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बेटा, 48/12, इसमें होगा 4। इसका मतलब है एक पॉइंट की वैल्यू कितनी है बेटा, 4 है। तो 7 की कितनी हो जाएगी, 7 की हो जाएगी 28, 7/4 यानी कि 20। इसका मतलब है कि इसमें 28 लीटर पानी भरा है। ये बेसिक तरीका जो मैंने पहले समझाया था वो बेसिक तरीका है, ये थोड़ा सा शॉर्ट है, ठीक है, शॉर्ट नहीं है मतलब अपना हमने बनाया हुआ है, ठीक है। अब इसमें से 14 लीटर यानी कि आधा, 28 का आधा कितना होता है बेटा, 14, 1/2 को आधा ही तो बोलते हैं बेटा, है ना, आधा बोल रहा है वो, आधा, आधा का मतलब होता है 1/2, और 28 का आधा कितना होता है बेटा, 14। तो 14 लीटर अगर इसमें से मैं निकाल लूँ तो कितना बचेगा मेरे पास, 14 लीटर। अगर 14 लीटर है तो इसका मतलब टोटल भरता कितने में है, 48 में भरता है, तो हमारे पास तो सिर्फ 14 बचा ना, तो कितना हमें चाहिए, 34 लीटर, आंसर सी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। ठीक है, कह रहा है एक आयताकार खेत की लंबाई, ठीक है, आयताकार को इंग्लिश में रेक्टेंगल बोलते हैं बेटे, ठीक है, रेक्टेंगल फील्ड है जिसकी लेंथ कितनी है, 155 मीटर है, एंड जो ब्रेथ है वो है, ब्रेथ है 95 मीटर। राम उस खेत के 3 चक्कर लगाता है तो कितना समय लगेगा यदि उसकी चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो, स्पीड कितनी है 9 किलोमीटर पर आवर। तो बेटे समय के लिए हमें क्या चाहिए, समय का चक्र जो बोलता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, कौन होता है ये होता है समय। तो समय निकालने के लिए हमें क्या चाहिए बेटा, समय निकालने के लिए हमें डिस्टेंस चाहिए यानी कि दूरी चाहिए और चाल चाहिए। तो चाल तो हमें दी हुई है, ठीक है, स्पीड तो दी हुई है,
तो हमें दूरी का इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालनी है। अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो डिस्टेंस क्या होती है, जब आप किसी पैरामीटर की बात करते हैं, पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर होता है बेटा आपका परिमाप। परिमाप का मतलब होता है जैसे कि अभी देखो, चूंकि ये आयताकार है तो उसका पैरामीटर का जो फॉर्मूला होता है परिमाप, जैसे हिंदी में बोलते हैं परिमाप इज इक्वल टू होता है कि 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, तो कितना हो जाएगा भाई 2155 प्लस 95 कितना हो जाएगा भाई, जल्दी बताओ, बोलो बेटा, इसको जोड़िए 0 और 9 5 और 2, तो इसका मतलब है कि वो एक चक्कर। अब देखो बेटा ध्यान से समझना, पैरामीटर की बात मैं बता रहा हूँ, ये एक आपका रेक्टेंगल है, ठीक है, ठीक है, ये आपका एक रेक्टेंगल है। तो क्या है, ध्यान देना भाई, कोई बंदा मान के चलिए कोई बच्चा यहाँ से चला और यहाँ तक पहुँचा, फिर यहाँ तक पहुँचा, फिर यहाँ तक पहुँचा, फिर यहाँ तक पहुँचा, तो इसका मतलब उसने क्या किया, एक डिस्टेंस ही तो कवर की, क्या की, एक डिस्टेंस ही तो कवर की बेटे भाई, जहाँ से चला और फिर चलते 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 कहीं भी पहुँचा, वट एवर, मान के चलिए उसने यहाँ से यहाँ तक की एक दूरी तय की या यहाँ से यहाँ तक की या पूरी की, तो उसने क्या किया, वो चला, चलने को क्या बोलते हैं, चल के क्या मिलेगा आपको, दूरी मिलेगी बेटा। तो इसका मतलब मैं तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मैथ के अकॉर्डिंग क्या निकाल रहा हूँ, पैरामीटर निकाल रहा हूँ, लेकिन जो और कोई बंदा बोलेगा वो ये बोलेगा आपसे कि भाई ये क्या निकल रहा है, ये निकल रहा है एक पैरामीटर, तो ये एक चक्कर की दूरी है, उसने लगाए 3 चक्कर, तो इसका मतलब वो 1500 मीटर की दूरी कुल टोटल उसने कवर कर ली। अब आपकी चाल क्या दी हुई है बेटा, चाल हमें आपकी दी हुई है, चाल दी हुई है किसमें बेटा, किलोमीटर पर आवर में, एक बात का ध्यान रखना भाई, तो आप एक काम कर लो भाई, इसको आप किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो बेटा, तो अगर मैं मीटर को किलोमीटर में करूंगा तो 1000 से मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये इससे कट जाएगा, तो कितना आएगा 1.5 किलोमीटर, ठीक है बेटा 1.5 किलोमीटर। अब आपको मैंने बताया कि समय अगर निकालना है तो दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी है बेटा, दूरी हमारी 1.5 किलोमीटर में कन्वर्ट कर लिया बेटा, मैंने ध्यान रखना इस बात का, ठीक है, अब मुझे मीटर से कोई मतलब नहीं है, मीटर नहीं लिखूंगा बेटा, और यहां पे स्पीड कितनी है 9 किलोमीटर, ठीक है, तो आप इस पॉइंट को एक मान लेंगे, पॉइंट के बाद जितने प्लेस होते हैं चुनिए बढ़ाएंगे, आपको पता ही है, ये तो मैंने बताया था बेसिक सा तरीका बेटा, है ना, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 15 9 अपॉन 10, तो 3 3 9 और 3 5 15, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 5 अपॉन, अच्छा 3 से काट दे, 3 3 9 और 3 5 15, ठीक है भाई, तो कितना हो जाएगा भाई, हाँ 30, ठीक है बेटा, कितना हो जाएगा बेटा 30, ठीक है, तो ये आपका जो समय आया बेटे आवर में आया, घंटे में आया, ठीक है, लेकिन आपका तो आंसर दिख रहा है कि इसमें मिनटों में, तो इसे मिनटों में कन्वर्ट कर लो बेटे, 5/30 को 60 से मल्टीप्लाई करके आप क्या कर लो, इसे मिनट में कन्वर्ट कर लो बेटा, ये कटेगा 2 बार और 2 5 जा हो जाएगा 10, इसका मतलब है आपका आंसर आएगा 10 मिनट, ठीक है 10 मिनट्स, ठीक है 10 मिनट्स एप्स बेटे, हमेशा ध्यान रखना, ये मैंने पैरामीटर इसलिए निकाला क्योंकि मुझे पता अगर कोई बच्चा यहाँ से चल रहा है और यहाँ तक पहुँचा, फिर यहाँ तक पहुँचा, फिर यहाँ तक पहुँचा, तो उसने एक, मैं मैथ के लैंग्वेज में बोलूँगा कि उसने पैरामीटर कवर कर लिया है, लेकिन हम लोग जो देखने वाले गाँव के लोग या बोलेगा भाई इतनी लंबा दौड़ लिया भाई, वो इतनी दूरी उसने तय कर ली, तो इसीलिए मैं इसको दूरी काउंट कर रहा हूँ, लेकिन मैथ की परिभाषा में इसको मैं पैरामीटर काउंट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उसने एक में 500 मीटर की दूरी करी, तो 3 में उसने 1500 मीटर कवर कर ली बेटा, ठीक है, तो उसको मैंने क्या काम किया, किलोमीटर में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि मेरी जो स्पीड थी, चाल थी, वो थी 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो इसलिए आपको पता है कि जो इकाई होती हैं, यूनिट होती हैं, वो हमेशा एक जैसी होनी चाहिए, अगर ये किलोमीटर में तो ये भी किलोमीटर में होनी चाहिए, तभी वो सवाल आपका सही होगा। कह रहा 1/2 के प्रथम 4 गुणज का योगफल कितना, देखो बेटा मैंने बताया था कि गुणज मल्टीपल, मल्टीपल तो किसी भी संख्या का मैं मल्टीपल निकालूंगा तो पहला मल्टीपल होगा 1/2 ही होगा, जिसका वो पूछ रहा है ना बेटा, सॉरी एक चीज़ बतानी भूल गया मैं आप लोगों को, मैंने जो बताया अभी
कि जिस भी संख्या का हम मल्टीपल निकालते हैं तो उसका पहला मल्टीपल वही संख्या होगी जिसका हम मल्टीपल निकाल रहे हैं, या हमें जो मल्टीपल पूछा जा रहा है, जिस संख्या का मल्टीपल पूछा जा रहा है उसका पहला मल्टीपल वही संख्या होगी जो हमसे पूछी जा रही है। जैसे मैंने बोला भाई 6 का मल्टीपल कौन होगा, तो 6 का मल्टीपल पहला कौन होगा, 6 ही होगा। दूसरा कौन होगा, उसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दो। तीसरा मल्टीप्लाई करो, 3 की मल्टीप्लाई करो, 3 की मल्टीप्लाई कर दो। तो पहला मल्टीपल हमारा क्या होगा, 1/2। दूसरा हो जाएगा, इसमें आप किसकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 की, मैंने बोला ना बेटा, तो 2 से 2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, अब इसी में आप कर दो किसकी मल्टीप्लाई बेटा, सॉरी इसी में कर दो 3 की, 3 की मल्टीप्लाई। तीसरा निकालेंगे, चौथा निकालेंगे 4 की, और फिफ्थ निकालना है तो 5 की मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा बेटा, 3/2। ठीक है, 3/2 बेटा। ठीक है, अगर आपको चौथा निकालना है तो 4 से गुना कर दीजिए बेटा, तो 2 2 4 और 2 1 2, इसका मतलब है 2। तो पहला मल्टीपल 1/2 ही होगा जो संख्या पूछी जा रही है। दूसरा उसमें 2 की मल्टीप्लाई करी तो 1 आया, 3 की मल्टीप्लाई करी तो 3/2 हो गया। अगर चौथा निकाला या फोर्थ निकाला तो उसमें मैंने फोर्थ की मल्टीप्लाई कर दी, तो इन सबको जोड़ेंगे, 3/2 और 1/2 कितना हो जाएगा बेटा, 4/2, और 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। ध्यान दो भाई, 4 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा बेटा, 2 आएगा प्लस 3 आएगा तो कितना हो जाएगा बेटा, 5। बी ऑप्शन, ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्न में कौन सी संख्या 6 से पूरी पूरी डिविजिबल है, डिवाइड कर सकती है। डिविजिबल का मतलब है कौन सी संख्या, कौन सी संख्या को 6 पूरा पूरा काट सकता है, डिविजिबल। तो भाई 6 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, कि 6 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है जो संख्या 2 से और 3 से कट जाती है वो संख्या 6 से डिवाइड हो जाती है। अब 2 से डिवाइड का नियम क्या होता है, 2 से डिविजिबिलिटी का जो रूल होता है वो ये होता है कि जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 होता है, 0, 2, 4, 6 और 8 होता है, वो संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है। और 3 से डिविजिबिलिटी का रूल ये होता है कि उन जो आपको नंबर दिया हुआ है, जो नंबर आपको दिया उसकी डिजिट को आप जोड़ ले और 3 से चेक कर ले कि अगर 3 से वो डिविजिबल हो रहा है तो वो संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। अगर नहीं हो रहा है, उनका सम किसका सम बेटा, नंबर जो दिया हुआ है आपको, जो संख्या दी है उसकी जो डिजिट है, उसके जो अंक हैं, अगर उनका योग 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि वो संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो चेक करते हैं बेटा, ये 2 से डिवाइड हो रही है, यस यस, ये नहीं हो रही और ये हो रही है, तो इसका मतलब मेरा 3 आंसर हो सकते हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं 3 से। तो 3 से अगर मैं इसको जोड़ूं तो 6 और 2 मिलाकर 8 हो जाते हैं, तो 8 कभी 3 से डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब मेरा आंसर ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो 2 और 7 और 2 को मिलाकर 9 होता है, 9 3 से डिविजिबल होता है, तो ये मेरा आंसर हो सकता है। दोनों कसौटी पे ये खरा उतर चुका है बेटा। ठीक है, इसको हम पहले इसी काट चुके हैं। ठीक है, अब रह गया हमारा ये, तो बेटा इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 2 को 6 को जोड़ेंगे ये 8 आएगा, तो इसका मतलब ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। आंसर हो गया कौन, बी ऑप्शन। ठीक है, देखो बेटा कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ आपको पॉइंट्स ऐसे रखने पड़ेंगे कि क्वेश्चन को एलिमिनेट करके सही क्वेश्चन पे कैसे पहुंचना है, वो चीज़ हमसे कहेंगे आपको लास्ट के 4 महीने में। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि आपको एलिमिनेट, देखो जैसे मैंने इसमें कुछ नहीं किया, बस मैंने चेक किया डिविजिबिलिटी के रूल से चेक किया, तो मेरा आंसर सामने ही आ गया। तो मैं आपको लास्ट के 4 महीने यही सिखाऊंगा, बस अरते आप वीडियो स्किप ना करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, उसे लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, उसमें कमेंट्स करें अगर आपको कुछ बनाया, कि जैसे एक बच्चे ने कमेंट्स किया कि सर इंग्लिश की क्लास नहीं होती, इंग्लिश में भी होती है बेटा, इंग्लिश में अगर आपको ज्वाइन करना है तो लाइव बैच आपको ज्वाइन करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, हमारे जो ऐप है उस पर आप जाके लाइव बैच को ज्वाइन करिए, उसमें इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है। ये सिर्फ उसके लिए, क्योंकि बेटा इसमें एक्चुअली क्या है, हमारा एक ही लक्ष्य है कि जो गाँव के बच्चे होते हैं ना उनको जोड़ना है, क्योंकि गाँव के बच्चे इंग्लिश को इतनी जल्दी कवर नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है कि मैं वर्ड नहीं बोलता हूँ, आप कहो, आप जो आपने मुझसे बोला है तो आप भी मेरे बच्चे हो, आपने भी जो कमेंट्स किया है, तो मैं कोशिश करूँगा कि कुछ वर्ड इंग्लिश के भी, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अभाज्य संख्या, अभाज्य को प्राइम नंबर बोलते हैं, ये तो बेटे मैं जब पढ़ाता हूँ ये भी बोलता हूँ आप लोगों से, फिर भी आपको अगर आपको समझ में नहीं आया ना तो आप मुझे बोलना बेटे, मैं और कोशिश करूँगा
कि जो आपने आपको जो प्रॉब्लम है वो मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, यही मेरा एम है। तो इसलिए मैं आप कोशिश करूंगा कि जो मैं हिंदी में बोलता हूं वो इंग्लिश में भी बोलूं ताकि आपको समझ में अच्छी आए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन ध्यान रखना बच्चे, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, धन्यवाद।